जब से अरविंद केजरीवाल और के कविता तिहाड़ जेल भेजे गए हैं, जेल के अंदर बंद सुकेश चंद्रशेखर तभी से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया। अब उसने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पत्र लिखा और पिछले दिनों केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मचे बवाल पर अपनी टिप्पणी की। पत्र की शुरुआत में उसने लिखा, डियर केजरीवाल जी, पिछले कुछ दिनों से आपका ड्रामा देख रहा हूं। जेल प्रशासन आपके साथियों और भाभी जी के इस ड्रामे में आपका जो परफॉर्मेंस है ऑस्कर जीतने वाला है। सुकेश ने लिखा कि मुझे एक कविता याद आती है, जब मैं प्ले स्कूल में था, बस उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। केजरीवाल केजरीवाल यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, फूलिंग पीपल नो पापा, डाइट चार्ट एक्सपोज्ड, हा हा हा। आगे उसने लिखा, केजरीवाल जी आप पूरी तरह से तिहाड़ क्लब में एंजॉय कर रहे हैं, आपको सभी सुविधाएं मिली हुई हैं, बस आप और आपके साथी खास तौर पर जेल प्रशासन से मिलकर ड्रामा कर रहे हैं ताकि लोगों की सहानुभूति आपको मिल सके। संजय जी कहते हैं कि आपके साथ जेल में आतंकवादी की तरह व्यवहार किया जा रहा है, जबकि संजय जी तिहाड़ क्लब में शामिल थे, वे भी पूरी तरह से यहां रहने का मजा उठा रहे थे, तब उन्होंने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की। इससे ये साबित होता है कि उन्हें अच्छे तरीके से तिहाड़ में ध्यान रखा जाता था। यही सब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भी साथ हो रहा है, जो लगातार तिहाड़ क्लब में लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सुकेश ने आगे लिखा कि केजरीवाल जी, आपका ये ड्रामा लोगों को और अधिक बेवकूफ नहीं बना सकता, अब लोग आपकी सच्चाई जानने लगे हैं। आपको जितना लोगों को बेवकूफ बनाना था आपने बना लिया, लेकिन अब सच्चाई बाहर आने लगी है। आपको इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा कि कैसे कट्टर करप्ट पार्टी के लोग इग्नोर कर रहे। उसने ये भी लिखा कि आपके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं कि आप निर्दोष तो बाहर आ ही नहीं सकते, खास तौर पर जब भाभी जी आपको निर्दोष बताती हैं। जल्द ही ये सब साबित हो जाएगा। ये सिर्फ एक्साइज केस नहीं, बल्कि इससे कहीं और अधिक करप्शन के मामले हैं जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैं आपके खिलाफ सारे सबूत रख दूंगा, जिससे आपकी और आपके सहयोगियों की सच्चाई सामने आ जाएगी। पत्र के अंतिम हिस्से में सुकेश ने लिखा कि आप सब ड्रामा बंद करें, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जेल प्रशासन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपने और सत्येंद्र जैन ने मुझे जेल के अंदर ही प्रेशराइज करने के लिए क्या क्या किया है। अंत में धन्यवाद देते हुए सुकेश ने अपना नाम लिखा है। हाल ही में जनहित याचिका के नाम पर अरविंद केजरीवाल हित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी और इस याचिका में मांग की गई थी कि केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए हैं। दूसरे बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगने से रोका जाए और बीजेपी के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जाए क्योंकि वो केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, जुर्माना लगाने की बारी आई तो कहा कि याचिकाकर्ता एक लॉ स्टूडेंट है, इसलिए उसे बख्श दिया जाना चाहिए। लॉ स्टूडेंट के नाम पर याचिका डालवाने का खेल कौन कर रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं। हाल ही में मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में इस बात की याचिका डाली थी कि उन्हें चुनाव प्रचार करना है, इसलिए अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि सिसोदिया खुद अपनी याचिका वापस भी लेने पहुंच गए और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में फिर एक याचिका डालकर ये मांग की गई कि जेल में बंद राजनेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी जाए। मतलब कि तिहाड़ में हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन टाइप के नेता जेल में बैठे बैठे चुनाव प्रचार कर सके, लेकिन जेल में बंद नेताओं को चुनाव के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करने की अनुमति देने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहता है कि जेल में बंद नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति दी जाए। उन्हें समझ आ रहा है कि वो क्या अनुरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो हर दुर्दांत अपराधी राजनीतिक दल बना लेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चुनाव प्रचार की मांग करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपकी मांग मान ली जाए तो फिर ऐसे में दाऊद इब्राहिम एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा और चुनाव लड़ेगा। हर रेपिस्ट हत्यारा एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार की मांग करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अनेक याचिकाएं कोर्ट में आ रही हैं, जिनमें या तो किसी को जेल से छोड़ने या किसी को बंद करने की मांग होती है। इनके पीछे प्रोपेगेंडा है और पब्लिसिटी भी। इसके बाद कोर्ट याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने वाला था, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने जुर्माना नहीं लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि वो लॉ स्टूडेंट है। कोर्ट ने जुर्माना तो नहीं लगाया, पर कहा कि अपने क्लाइंट को शक्तियों के विभाजन के बारे में समझाइए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर गिरफ्तार और जेल में बंद राजनीतिक नेताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर पैर नहीं रखने दे रहे हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी की शरण में जा पहुंचे और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर अपना दुखड़ा सुनाया। अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कन्हैया कुमार के बारे में कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा है कि केजरीवाल के कहने पर ही कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया और उसी के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी। यही वजह है कि पार्टी के नेताओं और स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों को किनारे लगाकर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पक्की की। कन्हैया कुमार इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल कन्हैया कुमार के पक्ष में भी चुनाव प्रचार कर सकती हैं। मतलब कन्हैया कुमार का चुनावी बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी एक तरह से आम आदमी पार्टी की है। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात को कन्हैया कुमार ने आत्मीय मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि देश में अभी तो परिस्थिति है, जिस तरह से तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़कर बिना वजह जेल में बंद कर दिया जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। तानाशाही के खिलाफ इसी लड़ाई में हम सब एकजुट हैं और ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। सब बात सुनीता केजरीवाल को बताने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को अपमानित कर रही है। जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को साजिशन जेल में डाल दिया गया है। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। इंडी गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए देश की 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी कर चुके हैं। कन्हैया ने केजरीवाल की तारीफ उस वक्त की जब पार्टी के नेता खुलकर केजरीवाल पर हमले कर रहे थे। अरविंदर सिंह लवली ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कन्हैया कुमार की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद केजरीवाल की तारीफ की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि कन्हैया कुमार पार्टी के रुख और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के विचारों के विपरीत केजरीवाल की झूठी तारीफ कर मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जब देशद्रोह के आरोप में कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया था, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पीएम मोदी और अन्य विरोधियों पर हमला बोला था, जिस पर देश के कई लोगों ने कन्हैया कुमार के भाषण की प्रशंसा की थी। उनमें केजरीवाल भी शामिल थे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा था, क्या शानदार भाषण है कन्हैया का। इसके एक दिन बाद केजरीवाल ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि मैंने कई बार बोला था मोदी जी स्टूडेंट से पंगा मत लो, लेकिन पीएम मोदी नहीं माने। ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था को क्लीन चिट दी थी और साफ कहा था कि हम सिर्फ संदेह के आधार पर फैसला नहीं दे सकते, लेकिन इतने से विपक्षी दलों ने ईवीएम पर निशाना साधना बंद नहीं किया। विपक्ष का वही पुराना खेल फिर से शुरू हो गया, जीते तो बल्ले बल्ले, हारे तो ईवीएम। इसी रणनीति के सहारे ममता बनर्जी ने फिर से चुनावों के दौरान ईवीएम को निशाने पर लिया और असल में चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों के चुनाव का आधिकारिक डाटा जैसे ही जारी किया, विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सीपीएम से लेकर उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछ डाले कि पहले वोटिंग परसेंटेज कम था, अब बढ़ कैसे गया, इतने दिनों बाद क्यों जारी किया। असल में मतदान के बाद चुनाव आयोग जो वोटिंग का डेटा देती है वह बाद में कुछ बदलता है, क्योंकि तब तक मतदान का पूरा डेटा उसके पास होता है। लेकिन अब विपक्षी दल इसी को मुद्दा बनाकर अपनी संभावित हार की जिम्मेदारी ईवीएम पर डालने लगे हैं। कई चुनावी सर्वे और प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार ये कह चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव नतीजे बदलने की आशंका जताई। ममता बनर्जी ने बंगाल के फरक्का में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि भाजपा परिणामों में छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि कई ईवीएम गायब हैं। ममता ने चुनाव आयोग की ओर से मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाने पर भी चिंता जताई। ममता ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में अचानक वृद्धि चिंता पैदा कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आखिर इतने दिन बाद कैसे चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में बदलाव कर रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है। दरअसल चुनाव आयोग ने 19 और 26 अप्रैल को हुए 2 चरणों के मतदान का डेटा मंगलवार शाम को एक बार फिर से अपडेट किया था। चुनाव आयोग के अनुसार पहले राउंड में 66.14% वोटिंग हुई, वहीं दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। इससे पहले ये आंकड़ा कम बताया जा रहा था। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए। बंगाल के सीएम ने कहा कि अचानक ही वोटिंग प्रतिशत में 5.75% का इजाफा करना चिंता की बात है, आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। इस बात की चिंता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के नतीजे बदले जा सकते हैं,
इसलिए पहले ही वोटिंग प्रतिशत में अंतर दिखा दिया गया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम तैयार करने वालों की डिटेल भी सार्वजनिक करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक गिर सकती है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, अब तक 2 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता घंटों उठक बैठक करते रहे, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट की गुत्थी नहीं सुलझा पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को मनाते रह गए, कार्यकर्ता रायबरेली में धरना देते रह गए, लेकिन राहुल गांधी न खुद चुनाव लड़ने को तैयार हुए और न ही अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ने की इजाजत दी। रॉबर्ट वाड्रा तो जमाने से चुनाव लड़ने के लिए बेचैन है, लेकिन इजाजत उनको भी नहीं मिली। वजह अमेठी में मिली 5 साल पहले करारी हार के उस मंजर को राहुल गांधी अब तक भुला नहीं पाए, इसलिए वे नहीं चाहते कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ वैसा कुछ फिर से घटित हो। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के इनकार के चलते ही अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें राजी करने में जुटे हुए हैं। वे यदि राजी हुए तो उनके नाम का ऐलान गुरुवार तक हो सकता है, यदि नहीं हुए तो फिर गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता का नाम भी आ सकता है। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ये भी नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी या परिवार का कोई और सदस्य भी अमेठी या फिर रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। इस तरह ऐसा पहली बार हो सकता है कि रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव में न उतरे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी का कहना है कि वो खुद अमेठी से फिर उतरे और रायबरेली से प्रियंका गांधी उतरी तो भाजपा को परिवारवाद के नाम पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तो रॉबर्ट वाड्रा तक तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं चाहते कि फैमिली से कोई भी मैदान में आए और बीजेपी को हमला करने का मौका मिले। पीएम नरेंद्र मोदी अक्सर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। अब यदि फिर से अमेठी और रायबरेली से फैमिली के ही लोग लड़े तो उन्हें एक नया हथियार मिल सकता है। दरअसल चर्चा थी कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़े। कांग्रेस में एक प्रस्ताव ये भी दिया कि यदि प्रियंका को चुनावी समर से बाहर ही रखना है तो अमेठी से मन नहीं है तो राहुल गांधी खुद रायबरेली से चुनाव लड़े। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी इस पर सहमत दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार ही कर दिया। अब कांग्रेस के आगे धर्म संकट की स्थिति है। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ किसी और नेता को मौका मिला तो भाजपा डर कर भागने का आरोप लगाने लग जाएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पशुपेश में है। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार राहुल गांधी को मनाने में जुटे हैं, लेकिन वे अब तक राजी नहीं हुए हैं। अमेठी सीट पर तो भाजपा के कैंडिडेट स्मृति ईरानी लंबे समय से कैंपेन कर रही हैं। रायबरेली से अब तक पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि भाजपा भी इसी इंतजार में है कि पहले कांग्रेस अपना कैंडिडेट तय कर ले। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका को उतारने पर अदिति सिंह को मौका मिल सकता है। यदि प्रियंका नहीं उतरी तो फिर मनोज पांडे, दिनेश सिंह का नाम चर्चा में है और चर्चा यहां तक भी है कि वरुण गांधी को भी भाजपा ने रायबरेली सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी के हाथों संभावित चुनावी हार से ममता बनर्जी अंदर ही अंदर बेहद सहम गई हैं। इसी वजह से खुले मंच से टीएमसी नेता के बीजेपी उम्मीदवार की तारीफ करने वाले नेता को पार्टी से बाहर करने का साहस तो नहीं जुटा पाई। इस वजह से ममता बनर्जी की किरकिरी भी खूब हो रही है, क्योंकि काम तो पार्टी से सस्पेंड किए जाने लायक किया है, पर टीएमसी ने बागी हो चुके कुणाल घोष को पार्टी के साथ तालमेल नहीं रखने वाले बयान देने के लिए पश्चिम बंगाल महासचिव के पद से हटा दिया। ये कदम उनके कोलकाता उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार तापस रे के साथ मंच साझा करने और उनकी प्रशंसा करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया। टीएमसी ने एक बयान में कहा कि कुणाल घोष ऐसे विचार जाहिर करते रहे हैं जो पार्टी के साथ मेल नहीं खाते और इस वजह से पहले उनको पार्टी प्रवक्ता के रूप में उनकी भूमिका से मुक्त कर दिया गया था, अब उन्हें राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया गया। हालांकि पार्टी प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बावजूद वे पार्टी मुख्यालय से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर कोलकाता में भाजपा के मंच पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने तापस रे से निजी संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में तापस रे टीएमसी सांसद और उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि वो दूसरे दल में हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष अचानक ही उत्तर कोलकाता में भाजपा नेता और लोकसभा सांसद तापस रे के कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंच गए। यही नहीं, कुणाल घोष ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मंच से लोगों को संबोधित भी किया। हाल ही में तापस रे ने टीएमसी छोड़ी थी और उस दौरान कुणाल घोष उन्हें मनाने भी गए थे।
तब उनसे पूछा गया था कि अगर तापस रे भाजपा की तरफ से चुनाव में खड़े होते हैं और सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से, तो वे किसका समर्थन करेंगे, जिसके जवाब में कुणाल घोष ने कहा था जो दूल्हे राजा फिल्म में जॉनी लीवर की भूमिका थी, यानी उन्होंने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि वे टीएमसी में होकर भी भाजपा प्रत्याशी के साथ होंगे, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। कुणाल घोष के सुदीप बंदोपाध्याय से अदावत के किस्से टीएमसी में नए नहीं हैं। कुणाल घोष उत्तर कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय से नाराज होकर हाल ही में पार्टी के पदों से इस्तीफा भी दे चुके हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने वहां पर मंच से कहा था कि तापसदा को हमने कोशिश की थी अंतिम समय तक टीएमसी परिवार में रखने की, तापसदा हमारे बहुत प्रिय हैं, उनका दरवाजा सारा दिन सारी रात कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता है, उन्होंने लोगों की खूब सेवा की है, दुर्भाग्य है कि राजनीति के मैदान में हम लोग उल्टे तरफ पड़ गए। सुदीप कोलकाता उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से तापस दा को जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी भी तरफ एक इंच भी कम नहीं पाता हूं। वो लोगों के लिए दरवाजा खोलकर मन खोलकर काम करते हैं, दुर्भाग्य है कि वे दूसरी तरफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। खास तौर से दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस में एक तरह से भगदड़ के से हालात बन गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनन फानन में देवेंद्र यादव को अंतरिम प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, लेकिन उसके बाद पार्टी के दो पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ पार्टी के गठबंधन और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने पर नाराजगी जताते हुए रिजाइन कर दिया। हाल ही में अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्हीं वजहों के चलते इस्तीफा दिया था। नसीब और नीरज की नाराजगी की वजह भी वही है जो लवली की है। कांग्रेस छोड़ते हुए नसीब सिंह और नीरज बसोया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा। नीरज बसोया ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन बहुत अपमानजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से कई घोटालों में जुड़ी हुई है। वहीं तीन बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाला और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला जैसे कई गंभीर करप्शन के आरोप उस पार्टी पर लगाए गए हैं। नीरज ने आगे लिखा कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं पर आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन्हें क्लीन चिट दे रही है। मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। पूर्व विधायक नसीब सिंह ने खड़गे को भेजे अपने त्यागपत्र में लिखा कि देवेंद्र यादव को कांग्रेस आलाकमान ने डीपीसीसी प्रमुख बनाया है। एआईसीसी पंजाब प्रभारी के रूप में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के झूठे एजेंडे खिलाफ कैंपेन चलाया था। आज अब उन्हें दिल्ली में केजरीवाल की तारीफ और समर्थन करने का काम दिया गया है। पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे मैं बहुत दुखी हूं और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। नसीब सिंह ने अपने पत्र में कांग्रेस और केजरीवाल के गठबंधन पर नाराजगी जताई। 28 अप्रैल को अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस और केजरीवाल के गठबंधन को लेकर सवाल उठाया था। कन्हैया कुमार और उदित राज को दिए गए टिकट पर नाराजगी जाहिर की और नसीब सिंह ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए अपने इस्तीफे में लवली ने कहा था कि वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे क्योंकि दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए सभी फैसलों पर एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया एक पक्षीय तरीके से रोक लगा देते थे। लवली ने कहा था कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने फिर भी उनके साथ गठबंधन किया। Your report, News of India.